नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगला आधे घंटे में मैं आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा आज के कारोबार में हलचल देखने को मिली। ये वो 50 शेयर होंगे जिसमें कि बीते अगले 3 घंटे में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन शुरुआत करें बाजार के साथ, तो कहीं ना कहीं 8600 के ऊपर जो है लगातार जो है निफ्टी को उसको पार करने की कोशिश कर रहा, हालांकि अभी तक पार नहीं कर पाया है, उसके बेहद करीब पहुंचा था सुबह कारोबार में, लेकिन अभी भी कमोबेश जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो जहां पे सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर एचयूएल के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले देखिए शेयर कहीं ना कहीं दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एचयूएल का नंबर के नतीजे अगर इनलाइन नहीं आते या थोड़े खराब आते हो तो हो सकता है बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिले। लेकिन अगले आधे घंटे में कई सारे सेक्टर्स होंगे जिसपे हम खासतौर पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर जहां पे आज के ट्रेड में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिले। पीएसयू बैंकों में आज भी तेजी देखने को मिले, क्या ये तेजी खरीदारी का मौका है? इसके अलावा ऑटो सॉरी और टायर शेयर, देखिए वो तमाम शेयर जो ऑटो सेक्टर जुड़े हुए हैं उसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा रियल्टी, फार्मा, चावल, ये छोटे छोटे खासतौर पर देखिए आज के ट्रेड में चावल, एजुकेशन जैसे छोटे छोटे सेक्टर हैं जहां पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आज नतीजों पर खासतौर पर चर्चा करेंगे, एक तो लगातार जो नतीजे आ रहे हैं तो किन कंपनियों के बेहतर नतीजे आ सकते हैं, एक कंपनी के बारे में खासतौर पर बताएंगे। इसके अलावा नतीजे यूनाइटेड टेक क्या है, नतीजे थोड़े निराशाजनक है, मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे कि नतीजों में क्या की हाइलाइट्स रहे और आने वाले दिनों के लिए आउटलुक क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। प्राइवेट बैंक देखिए एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, खासतौर पर लक्ष्मी विलास बैंक, IDFC बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां की एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ICICI बैंक में खरीदारी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में मजबूती है। ICICI बैंक में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली, फेडरल बैंक भी थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा है। आज का जानकार हमारे साथ किरण यादव भी जुड़ चुके हैं। किरण, जिस तरह से हमने देखा है कि प्राइवेट बैंकों में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है, लक्ष्मी विलास बैंक देखिए, IDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में मजबूती है, प्राइवेट बैंक को शेयर पसंद है क्या आपको? मनीष जी, सारे के सारे प्राइवेट बैंक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं। उसमें से अगर चुनिंदा कुछ उसके बारे में बात करें तो इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। एक ही स्टॉक है जो कि नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, वो फेडरल बैंक है, जहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। पर IDFC बैंक, एक्सिस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक सारे के सारे बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है। तो एक स्टॉक अगर निकलना है तो इंडसइंड बैंक की बात करूंगा। इंडसइंड बैंक में बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक स्टॉक ये अभी ऊपर चलना चालू कर दिया है, तो अभी भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1125 का होगा और लक्ष्य के लिए करीबन 1190-1200 के टारगेट्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल जाने चाहिए। कहने का इंडसइंड बैंक में और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। बाकी PSU सरकारी बैंक देखिए, वहाँ भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इंडसइंड बैंक पसंद है किरण को, उनको लगता है खरीदारी करके चलिए। लेकिन आज देखिए सरकारी बैंक, वहाँ भी हालांकि बहुत सारे सरकारी बैंकों में तो नहीं, चुनिंदा सरकारी बैंकों में देखिए आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। खासतौर पर देखिए इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखिए IDBI बैंक, SBI में खरीदारी देखने को मिली है। पिछले कुछ सत्रों से देखिए लगातार सरकारी बैंकों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है किरण, और बाजार को जो सहारा भी मिला है कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों से मिला है। क्या आपको लगता है कि सरकारी बैंकों में तेजी अभी भी जारी रहने की संभावना है, और कोई ऐसा सरकारी बैंक शेयर जिसमें आपको लगता है कि मौजूदा अगर लेवल से देखें तो 5-6% तक अपसाइड देखने को मिल सकता है? मनीष जी, एक खास ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है बैंकिंग क्षेत्र में। तो एक बार प्राइवेट सेक्टर बैंक परफॉर्म करता है तब हमें देखने को मिलता जाता है कि PSU बैंक थोड़े रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद PSU बैंक परफॉर्म करना चालू कर देते हैं, वहीं पे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक करेक्टिव या रेस्ट लेते हुए नजर आते हैं। तो अभी के लिए जो PSU बैंक जो इतनी अच्छी उछाल दिखाई दे रही है, दी गई है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना लाजमी है और वही हो रहा है। उसमें से अगर बाय करना ही है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB रहेगा। PNB में ब्रेकआउट लेवल है 138 का, इसके ऊपर बाय करने की सलाह होगी तो आपको इजीली 3-4% की मूव आपको देखने को मिलेगी। जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ऐसा ही कुछ रुझान है, जहां पे रेजिस्टेंस लेवल 167-168 का है, इसके ऊपर बाय करने की सलाह होगी और टारगेट्स 175-176 के देखने को मिलेंगे। पर मेरा मानना है कि प्राइवेट PSU बैंक थोड़ा सा सुस्त कारोबार दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं बैंक को बहुत पसंद है किरण को, लगता है यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे, हालांकि उनको मानते हैं कि प्राइवेट बैंकों के मुकाबले PSU बैंकों में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है। PNB कह रहे हैं कि खरीदारी के चलिए,
138 रुपये का लक्ष्य के आसपास वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी उनको पसंद है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आज देखिए हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में किया, ये पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने के लिए कहा जाए कि फाइनेंस बैंकिंग जैसे तमाम स्टॉक्स में मजबूती है। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ग्रुप फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। HDFC जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं लगातार मजबूती है। हाउसिंग फाइनेंस में अगर किसी शेयर को खरीदना हो आप किस पे लगाएंगे? पसंदीदा स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस रहेगा, उसके बाद HDFC रहेगा। सारे के सारे स्टॉक्स बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, पर मेरा मानना है कि LIC के बाद HDFC ये दोनों मार्केट आउट परफॉर्मर्स रहेंगे और ये मार्केट कंट्रीब्यूटर्स भी रहेंगे। तो इसमें निवेश करके चलना चाहिए, ट्रेडिंग करके नहीं, क्योंकि इनके टारगेट बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं चार्ट के हिसाब से। तो दोनों ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते वीकली चार्ट पे दे चुके हैं और हमने ये दोनों स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं हमारे लंबे निवेशक के लिए। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस को देखना चाहिए। दीवान हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है आज के सत्र में और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चल रहा है। तो मैं 219 जो कि बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस है ये सजेस्ट करूंगा, और टारगेट्स के लिए 238-240 के टारगेट्स अगले दो हफ्तों में आपको आते हुए देखने को मिल जाने चाहिए। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस की पसंद, उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। 219 का लक्ष्य स्टॉप लॉस लगाइए, 238 तक का लक्ष्य मानते हैं। LIC में भी कहते हैं खरीदारी के चलिए, यहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। HDFC इनको पसंद है। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में खासतौर पे, देखिए वैसे तमाम कंपनियां जो ऑटो कारोबार इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज कई सारे नतीजे आने वाले, एचयूएल नतीजे आने वाले, और इससे पहले हमने देखा था कि NIT के भी नतीजे आए थे, NIT टेक के नतीजे। देखिए नतीजे थोड़े से कमजोर देखने को मिले हैं, खासतौर पर प्रॉफिट फंड पर देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा खराब देखने को मिला। अगर साल दर साल देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, करीब 200% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि शेयर देखिए आज कहीं ना कहीं 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और नतीजों पर बात करने के लिए मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, NIT टेक के MD अरविंद ठाकुर चुके हैं। अरविंद सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपका पहला सवाल यही होगा कि हमने देखा है कि बीटा फ्रंट पे कंपनी का परफॉर्मेंस जो है ज्यादा बेहतर देखने को नहीं मिला, कहीं ना कहीं उम्मीद जैसी थी उससे थोड़े कमजोर नंबर आए हैं, क्या वजह रही इसकी? सुनिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तैयार हो? तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में फिर से हम बातचीत शुरू करेंगे। NIT पे क्या राय होगी? किरण हमने देखा था थोड़े नतीजे कमजोर आए थे, लेकिन अभी भी देखिए शेयर में आज के ट्रेड में 1% की मजबूती देखने को मिली है, क्या राय होगी NIT टेक पे आपकी? NIT पे मेरी कोई राय नहीं होगी, कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और हम सपोर्ट्स के करीब है। करीबन 460 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, पर ये अगर निकल जाता है तो बिल्कुल बिकवाली करके चलना चाहिए। 420 के टारगेट्स आपको इजीली आते नजर आएंगे, तो 460 एक लेवल है जहाँ पे हर निवेशक का नजर रहना चाहिए। तो कहने के NIT पे किरण को लगता है कि बहुत ज्यादा चार्ट पे क्लियर। एजुकेशन स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, एजुकेशन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिले, खासतौर पे एडुकॉम, एवरॉन, NIT ऐसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिले। खासतौर पे कहीं ना कहीं तेजी की शुरुआत हमने देखा सुबह सुबह एडुकॉम के साथ हुई, जब इसमें करीब 14-15% की मजबूती थी, हालांकि वहां से देखिए शेयर नीचे आया है थोड़ा, क्या राय है एजुकेशन स्टॉक्स में, कोई पसंद है क्या आपको? नहीं मनीष जी, मुझे कोई एडुकेशन स्टॉक अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। NIT लिमिटेड या एपटेक, ये दो ही स्टॉक है जहाँ पे आपकी नजर रहनी चाहिए, दूसरा नवनीत एजुकेशन रहेगा। बाकी के सारे निवेशक के तौर पे सलाह होगी, ट्रेडिंग के तौर पे तो मुझे लगता है कि एवरॉन और एडुकॉम से दूर ही रहे। तो कहने के NIT लिमिटेड और एपटेक दो ऐसे शेयर होंगे जो पसंद है किरण को, उनको लगता है एजुकेशन में दो स्टॉक्स जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटे सेक्टर की और बात करते हैं, चावल शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती है, खासतौर पर देखिए असर एग्रो, KRBL जैसे स्टॉक्स, LT फूड्स, कोहनू फूड जैसे स्टॉक्स है जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। हमने देखा है कि जैसे जैसे मानसून पीक पकड़ रहा है तमाम चावल स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है, क्या राय होगी आपके चावल शेयरों पर? चावल शेयर सारे के सारे बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बेहतरीन स्टॉक पैटर्न्स है। और LT फूड्स की बात करें तो हमने ये रेकमेंड भी किया है, तो बेसिकली बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न है, इधर से बहुत सारी अपसाइड दिखाई दे रहे, बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स के साथ सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो तेजी बना के चलना चाहिए इन स्टॉक्स पे।